इस्लामी तहरीक हम्मास और इसराइल के दरमियान जंग छिड़ गई। हफ्ते की सुबह 7 बजे गजा की पट्टी से अचानक लातादाद रॉकेट इसराइल पर दागे जाने का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके बाद इसराइल के तूलू अर्ज़ में खतरे के सायरन बज उठे। गजा के मुख्तलिफ इलाकों से रॉकेट बारी की आवाजें गूंजती रहीं। इसराइली वजारत दिफा का कहना है कि गाजा से अस्करियत पसंद इसराइली इलाकों में घुस गए, जबकि जंगजुओं ने इसराइल में एक पुलिस स्टेशन का कंट्रोल भी संभाल लिया। गाजा की पट्टी के आसपास के इलाके के रहायशियों को अपने घरों में रहने की ताकीद की गई। इसराइली वजीर दिफा ने हमास की इसराइल के खिलाफ जंग को संगीन गलती करार दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइल की फौज ने जंगी हालात का अलर्ट जारी कर दिया है। कबल अजी इसराइली फौज के तर्जुमान गजा की पट्टी से इसराइल पर हमलों के बाद जंग के लिए तैयार रहने के लिए कह रहे थे। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली वजीर दिफा ने रिजर्व फौजियों को तलब करने की भी मंजूरी दे दी है।